बांदा में माफियाओं के घर पर शुरू हुई प्रशासन की कार्यवाही। मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार के घर पर चला बुलडोजर। बांदा में माफियाओं के करीबियों पर प्रशासन के द्वारा मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार इफ्तिखार के घर पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर कार्यवाही की गई, जिसमें शहर के खाई पार मोहल्ले में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार इफ्तिखार के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में अपराधियों को संरक्षण एवं सहयोग देने वाले दो व्यक्तियों के अवैध निर्माण को बांदा पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में रहने के दौरान उसे और उसके परिवारजनों की लॉजिस्टिक सपोर्ट रहने और अन्य सहयोग प्रदान करने वाले रफीकुसमद निवासी अलीगंज थाना कोतवाली नगर बांदा और इफ्तिखार अहमद निवासी जिला नगर बांदा। इफ्तिखार अहमद जो कि बांदा के घर नक्शा पास न होने तथा शर्तों का उल्लंघन करने पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। गौरतलब है कि रफीकुसमद माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों को रहने आदि की सुविधा देता था। रफीक एवं इफ्तिखार अहमद उसके परिवारी जनों तथा मुख्तार अंसारी के गुर्गों को रहने आदि की सुविधा प्रदान करता। रफीकुसमद के घर से लगभग 7 लाख पैसे बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में कार्यवाही के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। रफीकुसमद के विरुद्ध रंगदारी मांगने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया। विगत दिनों में बांदा पुलिस द्वारा अपराधियों के घर अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। किसी भी प्रकार का अपराध करने और अपराधी माफियाओं का संरक्षण करने वाले इसी तरह की कार्यवाही की गई। नवभारत समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से नंदनाथ चतुर्वेदी की रिपोर्ट। शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुश्रवण में हम लोगों के यहाँ जो जेल में बंदी निहित है माफिया मुख्तार अंसारी, इनके जो लोग करीबी हैं जो इनको सपोर्ट करते रहे हैं, इनके मेंबर्स को इनके गैंग को सपोर्ट करते रहे हैं, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट तथा अन्य तरीके की सुविधाएँ मुहैया कराते रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोगों ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें दो व्यक्ति हैं, जिसमें प्रमुख व्यक्ति हैं रफीकुसमद और दूसरे व्यक्ति हैं उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं इफ्तिखार। रफीकुसमद जेल में ठेकेदारी का कार्य करते रहे थे और हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये काफ़ी करीब हैं माफिया मुख्तार अंसारी के, और इनके गैंग के अलग अलग लोगों को भी ये शेल्टर प्रोवाइड करते रहे हैं, गाड़ियाँ मुहैया कराते रहे हैं। जब उनसे मिलाई के लिए लोग आते हैं तो उनको अपने घर पे रखते हैं, गाड़ियाँ वगैरह देते हैं और अन्य तरीके की सपोर्ट करने की बात उनके सामने आई थी। देखिए वो उनके फैमिली के सभी लोगों को ये लोग सपोर्ट करते थे, सभी से इनके रिलेशन का उस चीज़ों को भी हम लोग कंगाल रहे हैं कि किस तरीके के इनके रिलेशन थे। बट ये चीज़ें प्रोवन हैं कि उनके इनसे बहुत नज़दीकी संबंध थे और तथा उनके गैंग के लोगों को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे थे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इनकी जो है अवैध संपत्तियों का पता किया, तो इसी क्रम में दो मकान उनके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। BDA की टीम से और नगर पालिका की टीमों से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने दो मकान उनके आइडेंटिफाई किए और एक संयुक्त ऑपरेशन में आज दोनों मकानों को आज ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा इनके घरों की प्रॉपर ढंग से खाना तलाशी ली गई थी और उस खाना तलाशी में रफीकुसमद के घर से 7 लाख रुपये कैश बरामद किया गया था, जो कि अनअकाउंटेड था, जिसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके अलावा दोनों के घरों से एक शस्त्र बरामद हुआ, एक एक शस्त्र दोनों के घरों से बरामद हुआ, प्लस इफ्तिखार और रफीक के घर से भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए, जो कि शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन है, जिसके तहत शस्त्र अधिनियम के तहत भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनके शस्त्र को हम लोग निरस्त कराने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। इसके अलावा जो कैश मिला था उसके संबंध में भी आयकर विभाग से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि उसको कहाँ से आया है और किस पर्पज़ से वो यूज़ होना था। इसके अलावा रफीकुसमद पर एक मुकदमा भी पंजीकृत है 386 का, रंगदारी मांगने का। उस मुकदमे में भी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और भी जनपदों से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इनके लीकेजेस और कहाँ कहाँ हैं। उन सभी लोगों का पूरा शजरा बनाया जा रहा है, पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, बाकी जगहों से कोऑर्डिनेट करके हम लोग सभी पे